IAS बनने के लिए इंग्लिश जरूरी है। दोस्तों, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली और समझी जाती है और भारत में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे यहाँ एक आम धारणा ये है कि यदि किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो UPSC में सिलेक्शन होना मुश्किल है। यदि UPSC के रिजल्ट्स पर गौर करें तो पता चलता है कि इस परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स में इंग्लिश मीडियम में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और ये धारणा पूरी तरह से गलत नहीं है। तो क्या ये सच है कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो IAS नहीं बन सकते हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप साथ ही साथ JPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारे खास YouTube चैनल मिशन JPSC को भी जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करते हैं जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो IAS नहीं बन सकते। तो दोस्तों, इस सवाल का कोई भी स्पष्ट जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो UPSC ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि जिन छात्रों को इंग्लिश नहीं आती है वो IAS नहीं बन सकते, और वो भारत की सभी राजकीय भाषाओं में परीक्षा कंडक्ट भी करवाती है। मगर यदि हम UPSC के आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देने और उसे पास करने वालों की संख्या बाकी भाषाओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। करोड़ों छात्र अपनी पढ़ाई अपनी स्थानीय भाषा में पूरी करते हैं। जहां तक UPSC का सवाल है तो ये एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। ऐसे में लैंग्वेज बैरियर्स का होना बहुत ही आम बात है। तो इसी पॉइंट पर इंग्लिश का रोल बहुत अहम हो जाता है। आज़ादी के बाद से ब्रिटिशर्स की कई एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के कारण इंग्लिश धीरे धीरे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है, और UPSC के एग्जाम में भी इसकी बहुत अहमियत होती है। तो दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें CSAT पेपर 2 में इंग्लिश का टेस्ट होता है और इसमें क्वालिफाई किए बिना आप अगले चरण में नहीं बैठ सकते। तो CSAT पेपर 2 में लगभग सवाल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से ही होते हैं। हालांकि इसे जनरल इंग्लिश कहा जा सकता है और इसका स्तर वही होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये मूलतः इंग्लिश लिटरेचर के ज्ञान से संबंधित नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा की समझ से संबंधित है। इसीलिए इसे क्वालिफाई करने के लिए ना तो बहुत अच्छी अंग्रेजी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत गहरी अंग्रेजी जानने की। तो इसके लिए अंग्रेजी का इतना ही ज्ञान पर्याप्त होता है कि अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति कोई अगर आपसे किसी विषय में कुछ कहे तो आप उसे समझ पाएं, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस तरह से कह सकें कि सामने वाला भी समझ जाए। अब जहाँ तक कि मुख्य परीक्षा में इंग्लिश के पेपर का प्रश्न है, तो इसमें तीन तरह के प्रश्न ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी की समझ से जुड़े हुए हैं, और ये तीन तरह के प्रश्न हैं। पहला है इंग्लिश में निबंध लिखना, दूसरा इंग्लिश के गद्यांश को एक तिहाई भाग में संक्षिप्त करना, और तीसरा है अंग्रेजी के गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो आप इन तीनों प्रश्नों को किस आधार पर हल करेंगे? जाहिर है कि ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब आपको इतनी अंग्रेजी तो आती हो कि आप इन अंशों को समझ सकें और समझने के बाद उन्हें अपनी ओर से लिख सकें। व्याकरण यानी कि ग्रामर के प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको शब्दों के सही अर्थ और उनका प्रयोग मालूम हो। तो अल्टीमेटली ये कहना ठीक होगा कि यदि आपको इंग्लिश भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, यानी आप थोड़ी भी इंग्लिश बोल लिख या समझ नहीं पाते, और यदि आप इसकी बेसिक ग्रामर के बारे में भी नहीं जानते, तो आपके लिए इस परीक्षा में पास होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। अपनी रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए आज ही खरीदे प्रभात प्रकाशन की ओर से रीट 10 बुक सेट। इसमें आपको मिलेगा NCERT और RBSE बेस्ड एग्जाम का लेटेस्ट सिलेबस, साथ ही सारी अध्ययन सामग्री जिसे पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। इसमें दिए गए पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट से दूर हो जाएगा सारा एग्जाम फियर। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या अपने नजदीकी बुक स्टोर से, और क्रैक करें रीट एग्जाम।